तो ध्यान दो, कल तक जो मैंने पढ़ाया था तुम्हें, वेव फ्रंट मेन तो वेव फ्रंट मैंने पढ़ाया था। क्या होता है वेव फ्रंट, कोई बताएगा मुझे? लोकस ऑफ पार्टिकल्स विच आर मूविंग ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। बहुत बढ़िया। तो मैंने बताया था कि इट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज ड्यूरिंग द वेव प्रोपेगेशन। तुम्हें पता है जब भी वेव किसी मीडियम में जाती है तो वो इस वे में वाइब्रेट होती हुई जाती है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे कल एग्जाम्पल बताया था, लाइट्स ओमनी डायरेक्शनल में वेव को प्रोड्यूस करता है। तो ये सभी क्रस्ट अगर मैं मिला दूं, सभी क्रस्ट, तो ये क्रस्ट के जो पार्टिकल होंगे वो सभी एक ही फेस में होंगे, तो ये पूरा का पूरा एक वेव फ्रंट बन जाएगा। तो मैंने बताया था वेव फ्रंट क्या था, लोकस ऑफ द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग द सेम फेस ड्यूरिंग द वेव प्रोपेगेशन। देन इसके मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे याद करने को, याद है किसी को पॉइंट्स? वो कौन कौन से पॉइंट्स थे बोलिए मुझे, बोलो बेटा कौन कौन से पॉइंट्स थे? ठीक है, पहला मैंने बताया था कि जो वेव फ्रंट है, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये रे कोई इस वे में एमिट करेगा, ओमनी डायरेक्शन होगा ये इस वे में, तो जो वेव फ्रंट होगा वो इन रे के क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, पता है ना? यस, तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चल दूसरी प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, तो वो बताया कि सेम फेज होने के लिए टाइमिंग शुड भी सेम होना चाहिए, याद है कल बताया था? यस सर। तो टाइमिंग सेम रखने के लिए क्या होगा कि ईच पार्टिकल ऑन द गिवन वेव फ्रंट रिसीव द डिस्टरबेंस एट द सेम टाइम। जितने समय में इसके पास डिस्टरबेंस आएगी, ठीक उसी समय में यहाँ पे डिस्टरबेंस आएगी, ठीक उसी समय में यहाँ पे, क्योंकि सेम फेज के लिए क्या सेम होना चाहिए, टाइम। कल मैंने बताया था कि फेज इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैंने बताया था फंक्शन ऑफ टाइम, तो सेम फेज होने के लिए टाइमिंग शुड बी सेम। तो इसी वजह से मैंने कल बताया था कि हर एक पार्टिकल ऑन द गिवन वेव फ्रंट रिसीव करेगा डिस्टरबेंस एट द सेम टाइम, ठीक है ना? और क्योंकि वो रिसीव करेगा डिस्टरबेंस एट द सेम टाइम पे, और अगर मीडियम सेम है, टाइमिंग सेम है, तुम्हें पता है मीडियम में स्पीड सेम होगी, हाँ स्पीड भी सेम होगी, टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। तो मतलब क्या हो गया, ईच पार्टिकल ऑफ द गिवन वेव फ्रंट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ये बताया था मैंने। यस ये गेट बंद कर दो। तो ये तीन पॉइंट्स मैंने बताए थे कल, लिखवाए भी थे मैंने ये तीनों पॉइंट्स, ये आपको याद होने चाहिए अबाउट द वेव फ्रंट, ठीक है? चलो इसके बाद मैंने तीन टाइप के वेव फ्रंट बताए थे, कौन कौन से होते हैं वो तीन टाइप के वेव फ्रंट, कोई बताएगा मुझे? स्फेरिकल, प्लेन। बहुत बढ़िया, सफेकर वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट, ये तीन टाइप के वेव फ्रंट मैंने बताए थे। सफेकर वेव फ्रंट इज ऑब्टेन ड्यू टू अ पॉइंट लाइट सोर्स, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है वन मार्क्स में, क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट काइंड ऑफ वेव फ्रंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पॉइंट लाइट सोर्स, तो आंसर क्या होगा, सफेकर वेव फ्रंट। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं लीनियर लाइट सोर्स की, तो लीनियर लाइट सोर्स से कौन सा निकलता है हमेशा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, मगर जब सोर्स ऑफ लाइट एट इंफाइनाइट डिस्टेंस पे है, जब सोर्स ऑफ लाइट इंफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, याद है? ये मैंने प्लेन वेव फ्रंट का बताया, ठीक है? तो अब मैं आगे चल रहा हूं, ध्यान दो, ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है? आज का मेन टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल, समझे क्या होता हाइजेंस प्रिंसिपल, टॉपिक है तुम्हारे पास? हाइजेंस प्रिंसिपल, ना कोई बताएगा होता क्या है? एक्चुअली ये हमें बताता क्या है, इट टेल्स अबाउट हाउ द वेव इज प्रोपेगेटिंग, क्या बताता है हमें ये, मैंने बताया इट टेल्स अबाउट हाउ अ वेव इज प्रोपेगेटिंग, अ वेव इज प्रोपेगेटिंग By forming क्या भाई, क्रेस्ट एंड ट्रफ, By forming wave front,
तो पता होना चाहिए कि हाइजेंस प्रिंसिपल हमें क्या बताता है. इट टेल्स अबाउट कि हाउ द वेव इज प्रोपेगेट बाय फॉर्मिंग वेव फ्रंट. वेव फ्रंट को बनाते हुए वेव कैसे प्रोपेगेट करती है तुम्हें याद होना चाहिए. सुनो भाई बात, आपने मैंने कल वाटर का एग्जाम्पल देखा था. अगर मान लो क्वाइट वाटर एक स्टोन उस पर फेंका गया तो आप क्या देखते हो, वेव जनरेट होती है इसमें में, है ना? Yes, sir. ठीक है. Yes. उसके बाद आपने देखा होगा अगर पूरे प्लेन को एक साथ देखते हो तो आप देखते हो कि इस टाइप की रिंग बनती हुई दिखाई देती है. इसमें में सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, ऐसी बनता है ना भाई. नाउ टेल मी क्या होता है, क्या ये जो अंदर वाला सर्कल है ये ही बड़ा होते चले जाता है या नए नए वेव फ्रंट बनते हैं? वेरी गुड. तो मतलब क्या हो गया कि जब वेव मूव करेगी पहले ये वाला वेव फ्रंट बनेगा, इससे दूसरे वाला वेव फ्रंट बनेगा, इससे तीसरे वाला बनेगा, फिर तीसरे से चौथे वाला बनेगा, चौथे से पांचवे वाला, एंड सो ऑन. तो इस वे में वेव फ्रंट बनते जाएंगे और वेव आगे की ओर मूव करती जाएगी. समझ में आ रहा है? Yes. तो हमें ये यही बताता है ये तो हमें यही बताता है कि हाउ द वेव इज प्रोपेगेटिंग बाय फॉर्मिंग द वेव फ्रंट. समझ में आ गया? ये बताता है कि हाउ द वेव इज प्रोपेगेटिंग बाय फॉर्मिंग द वेव फ्रंट. तो ध्यान दो किस वे में होगा. तो इसकी दो स्टेटमेंट है. पहली स्टेटमेंट समझिए इसे, ये तो मैंने वाटर के केस में बताया. अब सोर्स ऑफ लाइट में मान लो ये एस क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है. इसने ये एक वेव फ्रंट एमिट की, इसमें में ये एक वेव फ्रंट इसने एमिट की इसमें में. और तुम्हें पता होना चाहिए पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट. मान लो ये एक वेव फ्रंट है, इस पे तीन पॉइंट मान देता, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट. तुम्हें पता है कि ये एक कोई भी वेव फ्रंट है, नाम दे दू मैं ए और बी. तो पहली स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट ध्यान दो इसकी, दो स्टेटमेंट है. पहली, अकॉर्डिंग टू इट पहला, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, कॉल्ड, उन्हें बोलेंगे क्या हम, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट. क्या बोलेंगे उसे हम, कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट. यानी कि ये जो पॉइंट्स है ना, इन्हें हमने क्या बोला है, सेकेंडरी वेवलेट्स. ये तीन पॉइंट नाम दे दो, एक दो तीन. मैंने बताया कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, कौन सा, ए बी पे, act as a fresh source of disturbance called secondary wavelet which emits the wave wave के दो या फिर disturbance के दो, which emits the disturbance as the original light source emit, एमिट्स. ध्यान दो क्या है, मतलब जिस तरह से ये ओरिजिनल लाइट सोर्स सभी डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस को एमिट करेगा, वैसे ये वाला पॉइंट भी सभी डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस को एमिट करेगा, लाइक दिस. और ये जो बना है, आप एसी तीन बना दो, एक दूसरा ये मान लिया, तीसरा ये मान लिया, ये एमिट करेगा डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन. तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट. क्या नाम देंगे बोलिए इसे, सेकेंडरी वेवलेट.
तो पहली स्टेटमेंट तो ये बताता है कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जैसे मैंने बताया ये मैंने एक वेव फ्रंट बना दिया, इसके तीन या चार जो भी पॉइंट ले लिया वो ले लिया मैंने, और ये एक्ट किएगा एज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जिसके से एस एमिट करता है लाइट को सभी डायरेक्शन में, वैसे ये भी एमिट किएगा, एक दो तीन ये सभी डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस को एमिट करेंगे लाइक दिस। तो अब ध्यान दो, तो इन्हें नाम दिया गया है, क्या नाम दिया मैंने अभी बताया इसे, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट। ध्यान दो ये ए भी है, अब इन्हें बोलेंगे हम सेकेंडरी वेवलेट। नाउ दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, द सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट, दिस सेकेंडरी वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर्म्स, क्या फॉर्म कहेगा भाई, फॉर्म्स अ सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्या बनाएगा वो, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये है सेकेंड स्टेटमेंट इसकी। मतलब क्या है, ध्यान दो, अगर मैं एक कोई भी सरफेस बनाऊं जो इन सेकेंडरी वेवलेट को टच करता हुआ जाए टेंजेंशियली, मगर कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो नया सरफेस बनाना है ए डैश बी डैश, तो याद रखना ये जो ए डैश बी डैश है इसे क्या बोलेंगे आप, सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्या नाम बोलेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ध्यान दो, पहले आपके पास एक वेव फ्रंट था, उससे दूसरा बना, दूसरे से तीसरा बनेगा एंड सो ऑन, तो इसमें में वेव क्या गएगी, आगे की ओर प्रोपेगेट करेगी, यही बताता है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो दोनों स्टेटमेंट याद होगी नहीं हुई, मैं दोबारा से बताऊं, ध्यान दो, पहला मैंने बताया कि एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट एक्ट करेगा एज ए फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की, था उसका नाम क्या बताया मैंने, सेकेंडरी वेवलेट, और ये सेकेंडरी वेवलेट एमिट्स करेगा वेव या डिस्टर्बेंस को इन ऑल डायरेक्शन में, वेव एंड डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन में एज द ओरिजिनल लाइट सोर्स एमिट, जैसा कि ओरिजिनल लाइट सोर्स एमिट कर रहा है। फिर दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बताया, द सरफेस, ये जो सरफेस है जो टच कर रहा है दी सेकेंडरी वेवलेट को इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉर्म कहेगा एक सेकेंडरी वेवलेट को, क्या बनाएगा अभी वो, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेवलेट को बनाएगा, ठीक है ना, ए डैश क्या बताया कि ए बी आपके पास क्या है, गिवन वेव फ्रंट है, क्या है ए बी, क्या यहाँ पे गिवन वेव फ्रंट है, और ए डैश बी डैश क्या यहाँ पे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अच्छा ये जो बैक साइड में अगर मैं सरफेस बनाऊ, ये ए डबल डैश बी डबल डैश, तो क्या ये वेव फ्रंट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्या ये वेव फ्रंट होगा, नो आंसर इज नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो वेव पीछे की हो जाएगी, वापस सोर्स के अंदर जाएगी वेव, क्या पॉसिबल है वेव का सोर्स के अंदर जाना, नो सर वो फॉरवर्ड जाएगी, हाँ जी हमेशा फॉरवर्ड जाएगा, तो पता हूँ जी ए डबल डैश बी डबल डैश इज नॉट अ सेकेंडरी वेवलेट, वेव फ्रंट इज नॉट अ सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्यों नहीं है भाई, एज इट डिसओबे, ये डिसओबे कहेगा किसे, प्रिंसिपल ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ एमिशन ऑफ लाइट को, एमिशन ऑफ लाइट क्या कहता है कि जो लाइट होगी वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, जब भी सोर्स होगा तो लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, कभी भी सोर्स के अंदर वापस नहीं आएगी, मगर इसके अकॉर्डिंग तो सोर्स के अंदर जा रही है, जो भी पॉसिबल ही नहीं, तो इसी वजह से ए डबल डैश पी डबल डैश इज नॉट अ वेव फ्रंट, कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार, ठीक है, तो बता दोगे ये कोई डाउट है, स्टेटमेंट क्लियर है, डाउट है बताइए मुझे, क्लियर है, तो किसी को याद हुई, पुनित बेटा याद हुई या दिव्य, यस सर याद हो गई, हाँ क्या कहता है मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि ये याद करने वाली चीज है, याद हो जाती है बड़े प्यार से,
ध्यान से सुनो, दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं। मैंने क्या बताया, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, उसे क्या बोलेंगे, नॉन एज सेकेंडरी वेवलेट। मतलब इस वाले फिगर में देखो तो ये ए बी एक वेव फ्रंट है, ए बी, इन पे तीन पॉइंट्स मैंने बताया, एक दो तीन, ये तीनों एक्ट कर रहे एज ए, ये किस तरह से एक्ट कर रहे, सेकेंडरी, नाम बताइए, सेकेंडरी वेवलेट, एक्ट एज ए सेकेंडरी वेवलेट विच एमिट्स द डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन एज द ओरिजिनल लाइट सोर्स एमिट। याद हो जाएगा पहली स्टेटमेंट, बताइए मुझे, आप में से कोई सुनाएगा पहली स्टेटमेंट, सुनाओ बेटा, कोई भी सुनाओ। द एवरी पॉइंट ऑफ द गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस नोन एज अ सेकेंडरी वेवलेट व्हिच एमिट्स डिस्टरबेंस इन ऑल डायरेक्शन। हां जी, हां जी, व्हिच एमिट्स द डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस यहां पे हम किसे कहते हैं, वेव को या फिर लाइट को, आप कुछ भी कह सकते हैं। नाउ दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ध्यान दो, ये जो सेकेंडरी वेवलेट है इन्हें टच करता हुआ अगर मैं एक टेंजेंशियल सरफेस बनाऊं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे ए डैश बी डैश बनाया, तो ये टेंजेंशियल सरफेस क्या देगा मुझे, बताइए, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा, क्या देगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो मैंने बताया सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट स्टेट दैट द सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर्म्स द सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्या बनाएगा अभी वो हमें, सेकेंडरी वेव। अच्छा कंडीशन क्या बताइए मैंने, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या बैकवर्ड डायरेक्शन वाला लोगे तुम, नो सर, नो। अच्छा एक बार इसका इलस्ट्रेशन भी पूछा गया, तो इलस्ट्रेशन में ये फिगर बनाओगे, इस फिगर में पता है कि एस क्या है, सोर्स ऑफ, ये क्या है, सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस यानी कि सोर्स ऑफ लाइट है, एस क्या है यहाँ पे, सोर्स ऑफ लाइट है, और ए बी में मान लेता हूं कोई भी एक गिवन वेव फ्रंट है या प्राइमरी वेव फ्रंट है, ठीक ना, और इस पे तीन पॉइंट माने हुए, वन टू थ्री, ये वन टू थ्री क्या है, सेकेंडरी वेवलेट है जो कि एमिट किएंगे वेव को इन ऑल डायरेक्शन में, ठीक ना। देन इस पे एक टेंजेंशियल सरफेस आपने खींचा ए डैश बी डैश, ठीक है, वो क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। अच्छा मैंने बताया ए डैश बी डैश इज नॉट ए सेकेंडरी वेव फ्रंट, क्यों नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करेगा प्रिंसिपल ऑफ एमिशन ऑफ लाइट को फ्रॉम द सोर्स, याद है जाएगा। एक क्वेश्चन एक बार ये आया हुआ था, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आया था कि यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल आपको प्रूव करना है कि अगर एक सफेद का वेव फ्रंट है, ध्यान दो, अगर सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट है तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा भाई, स्फेरिकल, सफेद। तो तुम्हें पता है ये हाइजेंस क्या कहता है कि किस तरह से वेव प्रोपेगेट किएगा इन ए मीडियम बाय फॉर्मिंग वेव फ्रंट। तो क्वेश्चन पूछा गया था यूजिंग सेकंड यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल प्रूव दैट कि अगर सफेद का वेव फ्रंट है तो इसका जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा वो भी सफेद का ही बनेगा। क्या बताया मैंने, अगर ये सफेद का वेव फ्रंट है तो इसका जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा वो भी कैसा बनेगा भाई, स्फेरिकल, सफेद। कैसे प्रूव करोगे, मैं कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स मान लेता हूं, ये जो डॉट मैंने लिए वो सेकेंडरी वेवलेट्स है, और हाइजेंस के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वेवलेट क्या कहेंगे, एमिट्स कहेंगे डिस्टर्बेंस को एज द ओरिजिनल लाइट सोर्स एमिट, जिस तरह से ये एमिट कर रहा है डिस्टर्बेंस को वैसे ये भी एमिट कहेंगे डिस्टर्बेंस को, कहेंगे ना भाई, ठीक। यहाँ पे एक ये भी मान लिया मैंने फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, एक ये भी, ये फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करेगा सेकेंडरी वेवलेट सभी, चलो इसी वे में बना दोगे आप, है ना। नाउ अब जरा इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियल सरफेस खींचना वो कैसा बनेगा, देखो इन सभी के लिए अगर मैं टेंजेंशियल सरफेस खींचू तो क्या वो सफेद नहीं बनेगा, yes. बनेगा, तो ये प्रूफ है, खाली डायग्राम के थ्रू बताना था आपको हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो ये भी क्या बन गया, ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बना
इज ऑल्सो व्हाट इज ऑल्सो अ सफिक वेव फ्रंट. ये प्रूव करना आया हुआ था खाली डायग्राम के थ्रू. कर दोगे बताइए मुझे, बताइए बेटा. ठीक, अब इसकी एप्लीकेशन आती है. ये स्टेटमेंट याद करना है कम से कम आपको दो बार लिख के देखना है, टू टाइम्स, क्योंकि ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बच्चा गलती करता है कहीं ना कहीं. याद तो हो चुकी होगी कईयों को. दिबे याद होगी बेटा, बोलो बेटा. नमन याद होगी बेटा? यस सर. दुआ से मैं पढ़ू इसे बताऊ मैं या फिर याद हो चुकी है सभी को? हो गई सर. ठीक हो गई. ठीक, याद होनी चाहिए. चलो अब आगे ध्यान दो. इसकी दो एप्लीकेशन है, इसकी दो एप्लीकेशन है. एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. ये दो एप्लीकेशन है. दोनों एप्लीकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है. इन दोनों में से कोई भी एक 3 मार्क्स में आता है. कितने मार्क्स में आएगा? 3 मार्क्स. आप कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, हाइजेंस प्रिंसिपल में से ज्यादातर यही पूछा गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट. दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन प्रूव करने को आई हुई है. तो समझो, मैं पहले एप्लीकेशन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दो. ध्यान से देखो, एप्लीकेशन ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल. हाइजेंस प्रिंसिपल इसकी दो एप्लीकेशन है. पहला मैंने बताया आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ टेल मी क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, सभी को पता है हमने रे ऑप्टिक्स कंप्लीट की हुई है कि रिफ्लेक्शन होता है क्या. इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है. नाउ अब इसे मुझे प्रूव करना है कैसे भी, बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल. तो हाइजेंस प्रिंसिपल कैसे प्रूव करता है इसे ध्यान से देखना चाहिए. सपोज को ये कोई मिरर है एक्स वाई, इसमें ये एक मिरर है, दो पैरेलल रे यहां पे स्ट्राइक कर रही है. मान लो एक तो ये वाली रे है, दूसरी इसी के पैरेलल ये वाली रे. दो पैरेलल रे हैं, वन एंड टू. तुम्हें पता है कि नॉर्मल के साथ ये दोनों रे सपोज का एंगल बना दिए कितना, आई. ठीक है ना. अब ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट किएगा, इतना ही एंगल बनाता हुआ ये यूं रिफ्लेक्ट करके चली जाएगा और ये वाली भी इसमें में रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी. ये वन अबाउट वन डेज के अबाउट रिफ्लेक्ट किएगा, टू रिफ्लेक्ट कर रहा अबाउट टू डेज के. ये इंसिडेंट कर रहा आई पे और मान लो रिफ्लेक्ट हो रहा है कितने पे एंगल पे, आर पे. ठीक है, ये सभी को पता है. नंबर ये से नाम दे दो ए और ये वाला पॉइंट है ए डेस. ऐसे होता है ना भाई रिफ्लेक्शन, सभी को पता है. यस सर. ठीक है, हाइजेंस से मुझे प्रूव करना होता है एंगल आई इक्वल टू आर. अच्छा ध्यान से देखना बेटा, ये वैसे तो फिजिकल मोड में ज्यादा अच्छा होता है ये क्लास, फिर भी ध्यान से देखो. नाउ टेल मी, अगर दो पैरेलल रे जा रही है, जैसे ये वन और टू, ये वन और टू, ये दो पैरेलल रे जा रही है. पैरेलल रेज पे मैं कैसे दिखाऊं, समझो वाला ध्यान दो. मेरी फिगर भी दिखाई दे रही है ना आपको. यस यस. ये पैन समझो रे है, तो ये जब रे आएगी तो इस पे वेव फ्रंट कैसे बनेगा. ये हथेली जो मैंने बताया रे के पैरेलल है, ऐसे ही होगा ना, रे के परपेंडिकुलर. यानी कि ये जो हथेली हाथ की वो वेव फ्रंट होगा और ये पेन एज ए रे की तरह काम कर रहा है, पता है ना. यस सर. भाई प्लेन जो होता है रे के, पता है ना, हमेशा नॉर्मल होता है. तो यहां पे भी अगर ये वन टू इंसिडेंट रे है
तो इस पे इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या आप ये ड्रॉ नहीं कहेंगे? बताइए मुझे, वेव फ्रंट हमेशा नॉर्मल होता है। तो मान लो ये ए बी क्या है, इस पे वेव फ्रंट है, कोई डाउट है भाई? ये रे आ रही है तो इसका वेव फ्रंट कैसे बनाओगे? कल भी मैंने बताया था, अगर इंफानाइट से रे आ रही है तो इस पे वेव फ्रंट कैसे बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। Yes. याद है? Yes. हाँ, प्लेन वेव फ्रंट को मैंने ज्यादा गंदा डायग्राम ना हो इसी वजह से मैंने एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर दिया। यानी कि ये जो ए बी है ये क्या चीज है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे ए बी क्या हो गया भाई? वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट हो गया? इंसिडेंट, इंसिडेंट, हाँ इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि पैरेलल आ रही है तो ऑब्वियसली नॉर्मल होगा। अब ध्यान से सुनो, हाइजेंस क्या कहता है? हाइजेंस के अकॉर्डिंग एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट क्या कहेगा भाई, कोई बताएगा मुझे? एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ वेवलेट, फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट। तो यानी कि एक सेकेंडरी वेवलेट यहाँ पे मान लो, मैं एक यहाँ पे मान लो, वैसे तो इंफानाइट है, पता है ना, यहाँ पे कई पॉइंट्स है, एक दो तीन सौ ऐसे इंफानाइट पॉइंट्स है, मगर हमारा काम सिर्फ दो से ही हो जाएगा। तो एक वेवलेट यहाँ पे मान लू मैं और दूसरा वेवलेट मैंने यहाँ पे मान दिया, कोई डाउट है किसी को? नो सर। कितने वेवलेट माने और कहाँ कहाँ माने मैंने, बताइए मुझे सर। दो माने, ऊपर एक नीचे, एक ए पॉइंट पे और दूसरा बी पॉइंट पे। अब ध्यान दो, जो बी से लाइट जाएगी, क्योंकि वेवलेट है तो ये ऑब्वियसली रे को एमिट करेगा, है ना? तो बी से जो रे गई इस वे में, बी से जो रे गई वो इस सरफेस को कहां पे स्ट्राइक कर रही है, कोई बताएगा? ए डैश पे। यस, ठीक है। अगर वो ए डैश पे स्ट्राइक कर रही है, ध्यान से देखना चाहिए, वो कहां पे स्ट्राइक कर रही है? ए डैश पे। ए डैश पे स्ट्राइक कर रही है मान लो कितने टाइम में? टी टाइम में। तो कोई मुझे बताएगा बी ए डैश डिस्टेंस कितनी होगी? वी टी, सी इंटू में टी, क्योंकि सी क्या वहां पे स्पीड ऑफ लाइट है ना भाई, स्पीड ऑफ लाइट। यस। तो यानी कि ये जो बी से लेके ए डैश तक की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? सी इंटू में टी। कोई डाउट है? बताइए। ठीक, अब मुझे पता है कि जिस तरह से यहां से एक रे गई है टी टाइम में यहां पे मिली है, वैसे यहां से भी टी टाइम की रे का मैं एक अर्क बना दूं, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना चाहिए, इस ए पॉइंट को सेंटर मान के एक सी इंटू टी का एक अर्क बना दूंगा मैं। कितनी डिस्टेंस का अर्क बनाऊंगा बताइए मुझे, कितनी रेडियस का? सी इंटू टी, सी इंटू टी का, सी इंटू टी का ये अर्क यूं बनेगा कंप्लीट। अब ये एसी बनेगा ना, ये अर्क क्या शो कर रहा है कि जो अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो टी टाइम में ये सी इंटू टी की डिस्टेंस ओमली डायरेक्शन यानी कि सब जगह होगा, सब जगह एमिट करेगा। तो ये सी इंटू टी का एक सर्कल बनाने के बजाय मैंने पूरा एक अर्क ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये लाइट हो सकती है यहां पे जाए, हो सकती है यहां पे जाए, हो सकती है यहां पे जाए, कहीं पे भी जा सकती है भाई, क्योंकि ये तो ओमनी डायरेक्शनल है ना। यस सर। अब पीछे मैंने क्या बताया था, अगर आपने सेकेंडरी वेव फ्रंट बना दिया, वेवलेट बना दिया, तो इन पे जो ये टेंजेंशियल सरफेस बनाओगे वो टेंजेंशियल सरफेस क्या देगा मुझे, बताइए मुझे? सेकेंडरी वेव फ्रंट। गुड, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहां पे भी सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करूंगा मैं, कैसे बनाऊंगा? ध्यान दो, बी से जो लाइट गई थी वो कंफर्म है ए डैश पे स्ट्राइक की थी टी टाइम पे, तो मैं ए से भी एक सेकेंडरी वेवलेट से लाइट एमिट करूंगा और सी इनटू टी का एक आर्क बना दूंगा। नाउ अब इस पॉइंट से तुम्हें पता है किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितने टेंजेंट बना सकते हो भाई? दो। सिर्फ दो, सिर्फ दो। तो यहां पे इस पॉइंट से एक तो नीचे का टेंजेंट बना सकता हूं मैं, एक ऊपर का, है ना? दो ही टेंजेंट बना सकता हूं ना भाई, एक नीचे एक ऊपर। तो अब क्या यहां पे मैं नीचे टेंजेंट बनाऊंगा, क्योंकि मिरर है, नीचे तो लाइट जाएगी नहीं, क्या नीचे जाएगी लाइट इस जगह पे?
नो सर. तो यहाँ पे टेंजेंट नहीं खींचोगे आप, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे. अब इस पॉइंट से ए से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये नाम दे दो एडस बीडस. तो हाइजेंस के अकॉर्डिंग ये जो एडस बीडस है, एडस बीडस वो क्या हो गया, ट्रू रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट होगा. कौन सा वेव फ्रंट होगा बताइए ना, ट्रू रिफ्लेक्टिंग वेव. बस यही चीज है आपको हाइजेंस से ड्रॉ करनी है इसमें, और कुछ काम नहीं है. ये डायग्राम आ गया समझ में. मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता. इसमें वे ऑफ राइटिंग का ही मेन काम है, और आपको दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा. हाइजेंस प्रिंसिपल अच्छी तरह से याद है तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा. मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना चाहिए. मैंने बोला कि वन और टू दो पैरेलल रेज है जो कि इंसिडेंट कर रही है ए और बी को एट वन एट एंगल आई. मैंने क्या बताया, मैं मान देता हूँ लेट टू पैरेलल रेज, दो पैरेलल रेज है कौन कौन सी भाई, वन एंड टू, इंसिडेंट कर रही है कौन से सरफेस पे भी, इंसिडेंट ऑन द सरफेस एक्स वाई, एक्स वाई एट कौन कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट ए एंड ईडस रेस्पेक्टिवली एट एंगल कितने पे भी, एट एंगल आई पे. एंड गेट रिफ्लेक्टेड, कैसे रिफ्लेक्ट होगी कोई बताएगा, एंड गेट रिफ्लेक्टेड एट एंगल कितने पे, आर पे, अलोंग वन डैश एंड टू डैश रेस्पेक्टिवली. वन डैश और टू डैश के अबाउट वो रिफ्लेक्ट होगी, कोई डाउट है यहां तक. ये तो मैंने रे डायग्राम के बारे में बताया है. अब हाइजेंस के अकॉर्डिंग ध्यान दो, आगे मान लो कि इफ ए बी, ए बी इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, कैसा वेव फ्रंट है ये, प्लेन वेव. हाँ जी, प्लेन क्यों है, क्योंकि पैरेलल रेज आ गई इसी वजह से. इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, देन अकॉर्डिंग टू हाइजेंस, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस एवरी पॉइंट ऑन इट क्या बिहेव किएगा, भी बिहेव एज फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड क्या बोलेंगे उसे, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट. अब यहां पे मान लेता हूं लेट ए एंड बी आज सेकेंडरी वेवलेट है, क्या है सेकेंडरी वेवलेट. मैंने दो पॉइंट मान लिए ए और बी पे. अब पता होना चाहिए द वेवलेट एट बी, द वेवलेट एट बी एमिट्स द रे, वो रे को एमिट कर रहा है विच इंसिडेंट, जो कि इंसिडेंट कहां पे होगा भाई कोई बताएगा, विच इंसिडेंट एट ए डैस पे इन कितने टाइम में, भी इन टी टाइम में. तो देयरफॉर कोई बताएगा बी ए डैस कितना हो गया, सी इनटू टी, नंबर दे दो इससे बाद, वी ए डैस कितना हो गया, सी इनटू टी हो गया. नाउ अब अगर मैं बोलूं, नाउ ड्रॉ कहेंगे हम क्या, ड्रॉ एन अर्क ऑफ रेडियस कितने का भी कोई बताएगा, ऑफ रेडियस सी इंटू टी का. मैं सी इंटू टी का एक अर्क ड्रॉ करूंगा सम कहां से भी, सम सेकेंडरी वेवलेट कौन से वाले से, एट ए से. एंड जब मैंने ए से वेवलेट यानी कि एक अर्क ड्रॉ किया, एंड ड्रॉ करोगे आप अ टेंजेंशियल सरफेस, टेंजेंशियल
surface on this earth कहां से भी from एडस से मैंने बताया एडस से एक सेकेंडरी टेंजेंशियल सरफेस खींचूंगा और मैं मान देता हूं लेट एडस बी डेस विद दिस सरफेस ये सरफेस कौन सा भी एडस बी डेस है तो देयरफॉर अब देखो तो इसमें मैंने दोनों की दोनों लॉ अप्लाई कर दिए ना भाई यहां से लेके यहां तक में ये फर्स्ट था ये सेकेंड तो देयरफॉर बाय हाइजेंस के अकॉर्डिंग एडस बीडस क्या हो गया इज अ ट्रू रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट हो गया कोई डाउट है नो सर देखो ये चीज मैंने आपको लिखने की होती है ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा तो इसके मार्क्स आएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे बढ़े कि आपने कैसे हाइजेंस का यूज किया हाइजेंस टोटली एक स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट का यूज आप स्टेटमेंट में ही कर पाएंगे अब यहां से उसने क्या कंसेप्ट निकाले रिफ्लेक्शन कैसे प्रूव किया उसके लिए समझिए अच्छा ध्यान दो मैं हाथ दिखा दे रहा आपको देखिए एक बार मेरी वीडियो में ये आपके पास एक रे आई थी इस वे में रे के परपेंडिकुलर क्या होता है वेव फ्रंट पता है ना रे के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट यहाँ पे दो वेव फ्रंट एक ये वाला एक ये वाला ये इंसिडेंट वेव फ्रंट ये रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट समझ पा रहा है ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टिंग दो वेव फ्रंट है ना इस वे में हाँ या ना यस यस सर अब ये देखिए ये दोनों हाथ क्या एक ही प्लेन क्या वो नहीं है एक ही प्लेन में ना भैया यस सर एक ही प्लेन में तो अब क्योंकि ये दोनों वेव फ्रंट ए बी और एडस पी डेस बोथ आर इन सेम प्लेन देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड ऑल्सो लाइन द सेम प्लेन बिल्कुल पता चलेगा ना क्योंकि अगर ये दोनों एक ही प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये रे होगा तो मैं बताऊं अच्छी सिंस ध्यान देना सिंस बोथ वेव फ्रंट कौन कौन से दोनों वेव फ्रंट एक तो ए बी है और दूसरा कौन सा ए डैश बी डैश बोथ वेव फ्रंट आर इन सेम प्लेन दोनों सेम प्लेन में देयरफॉर द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल ऑफ सरफेस एंड तीसरा कौन सा भी रिफ्लेक्टेड रे हाँ जी एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाई इन क्या भी सेम प्लेन ये पहला प्रूफ है पता चाहिए दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना पहला तो हमने थ्योरी पार्ट में ही प्रूव कर दिया अब दूसरा नाउ टू प्रूव कौन सा भी मेरे पास ध्यान दो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हाँ जी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर नाउ टू प्रूव Now to prove क्या करना है मुझे एंगल I इज इक्वल टू एंगल R. अब ये कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए ध्यान से देखना बेटा नो इसे प्रूव करने के लिए आप एक तो ट्राइंगल लो नो इन ट्राइंगल एक वाला एक तो लो ए बी एडस कौन सा बोला मैंने ए बी एडस एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल लोगे बोलिए ए बी डेस एडस कौन सा ए बी डेस एडस इन दोनों ट्राइंगल में क्या दिखाई दे रहा है आपको ध्यान से देखना बेटा एक तो क्या दोनों की साइड ए एडस इक्वल नहीं है ए एडस इज इक्वल टू ए एडस ये कौन सा कॉमन साइड है दूसरा इसका एंगल बी और इसका एंगल बी डेस क्या दोनों इक्वल नहीं है
हाँ 90, क्योंकि वेव फ्रंट और वे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. इसका एंगल बी इक्वल टू इसके एंगल बी डैश के, ईच 90 का है. इस वाले की साइड बी ए डैश, इस वाले के क्या ए बी डैश की इक्वल नहीं है? यस. क्यों है भाई? क्योंकि ईच कितने का यहाँ पे, सी इन टू टी का है ना भाई? यस सर. यस. तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट. बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रुएंट. यानी कि ये ट्राइंगल दोनों के दोनों ए बी डैश ए डैश और ए बी ए डैश, ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. अच्छा, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये सब कुछ क्या होंगे? इक्वल होंगे, पता है ना? यस सर. ठीक, अब ध्यान से देखना बेटा, जो मैं फिगर में दिखाऊंगा एक बार ध्यान से देखना. ये वाला आपके पास एंगल आई है, आपको पता है ये वाली रे, ये दोनों आपस में 90 है या नहीं है? यस सर. क्यों? क्योंकि नॉर्मल रे और ये वेव फ्रंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 का है. अब अगर ये एंगल 90 है, आई है, तो ये वाला एंगल कितना पाएगा, कोई बताएगा? 90 माइनस आई. बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर सभी को? नाउ अब दोबारा से देखना चाहिए इसी फिगर को. कौन सा पेन यूज करूं मैं इसमें? चल, अब तुम्हें पता है ये क्या है, नॉर्मल है और ये क्या है, प्लेन है. ये दोनों भी आपस में क्या पाएगा भाई? 90 पाएगा. 90. ठीक है, अगर ये वाला एंगल, ध्यान से देखना, ये वाला एंगल अगर 90 है, तो ये पूरा ये वाला एंगल कितने का पाएगा? ये 90 माइनस आई है, तो क्या ये आई नहीं पाएगा पूरा एंगल कंप्लीट? यस. कोई डाउट है इसमें बताइए बेटा मुझे, सभी बच्चे बताइए एक बार. नो सर. ठीक, तो इसी तरह से अब ये वाला देखना, आपको पता है कि ये है वेव फ्रंट और ये है वे, दोनों आपस में 90 है. ये वाला एंगल अगर आर हुआ, तो ये वाला कितना होगा भाई? ये वाला 90 माइनस आर. गुड. अब मुझे पता है कि ये नॉर्मल है और ये प्लेन है, तो ये दोनों भी तो आपस में 90 होना चाहिए भाई, ये भी तो आपस में 90 होना चाहिए. अगर ये 90 माइनस आर है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा? आर. आर बनेगा. गुड, ये बात आ गई समझ में सभी को? यस सर. तो देयरफॉर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका, इस ट्रायंगल का एंगल बी ए ए डैश, बी ए ए डैश क्या इक्वल टू पाएगा एंगल बी डैश ए डैश ए के? यस सर. हाँ जी, पाएगा ना. और अगर मैं देखूं, तो मैं पता है कि दिस इंप्लाइज ये वाला एंगल कौन सा, एंगल आई है, और ये वाला एंगल देखूं, तो एंगल कौन सा है? और एंगल आर. हैंस प्रूव, ये मुझे प्रूव करना था. ये क्वेश्चन थी मार्क्स में कई बार पूछा गया, किसी को कोई डाउट है तो बताइए मुझे. नो सर. ठीक है, तो अब ध्यान दो, मैं ये मैंने लिखा हुआ इसमें, तो इसमें एक बार टैली कर लो, कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी तो अभी पता चल जाएगी. तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने बताया लाइट टू पैरेलल रेज है 1 और 2, ये 1 और 2 है. ये इंसिडेंट कर दी कहाँ पे, ए और ए डैश पे, एट एंगल आई पे दोनों के दोनों. ये भी एंगल आई है, ये वाला एट एंगल आई पे, और गेट रिफ्लेक्टेड एट एंगल आर पे अलोंग 1 डैश एंड 2 डैश रेस्पेक्टिवली. सबसे पहले आपको एक वेव फ्रंट बांधना पड़ेगा. सपोज ए बी इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, देन अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन इट नॉन एज सेकेंडरी वेवलेट एक्ट एज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस. उन्हें क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट. ऐसे ही दो वेवलेट मान लिए मैंने, कहां कहां पे माने कोई बताएगा? एक तो मैंने ए पे माना, दूसरा बी पे माना है. एक ए पे, दूसरा बी पे. अब वेवलेट बी जो है वो एमिट करेगा रे को, जो कि इंसिडेंट कर दिए कहां पे, देखो तो ए डैश पे. कितने टाइम में इंसिडेंट कर दिए भाई यहाँ पे? टी टाइम में. अगर टी टाइम में कर दिए, तो ऑब्वियसली बी ए डैश कितनी डिस्टेंस होगी? सी इन टू टी होगी, है ना? वेयर सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है.
नाउ अब द वेवलेट ए ऑल्सो एमिट किएगा वेव को, तो यहां से हम क्या कहेंगे, ड्रॉ कहेंगे आर्क ऑफ रेडियस कितने का भाई, ये आर्क ड्रॉ क्या है कितने रेडियस का, सी इंटू टी का, सी इंटू टी का। अच्छा वैसे मैंने वहां पे पूरा दिखाया था नीचे का भी, नीचे जाएगी मुझे वो, मैंने बस समझाने के लिए कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ऊपर ही बना दो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो नाउ अब क्या कहेंगे, टेंजेंट से सरफेस ड्रॉ कहेंगे ए डेस बी डेस फ्रॉम द पॉइंट कहां से, ए से, ए डेस से। तो हाइजेंस के अकॉर्डिंग ये जो ए डेस बी डेस है वो क्या है, ट्रू रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट है। आप तो ये पता है सिंस द वेव फ्रंट ए बी और ए डेस बी डेस आर इन सेम प्लेन में है, तो देयरफॉर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सरफेस ऑल लाइक रहेगा क्या भी, सेम प्लेन में, पता है ना। तो ये तो था मेरे पास फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ कौन सा कहता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो उसके लिए मैंने ए बी ए डेस और ट्राइंगल ए बी डेस ए डेस दोनों को सिमिलैरिटी प्रूव कर दिया। ये तो क्लियर है ना कैसे मैंने प्रूव किया था, सिमिलैरिटी नहीं सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया मैंने, एंड कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते ही मेरे पास क्या आ गया, इसका एंगल आई और इसका एंगल आर दोनों इक्वल होंगे। कोई डाउट यहां तक हो जाएगा बताइए मुझे। यस सर। तो आज की क्लास में यहीं पे यहीं तक हुआ था उस वाले बैच में भी, तो जितना उसमें करवाया था उतने में इसमें भी करवा रहा हूँ। कोई डाउट है किसी को, क्लास एंड कर दूं मैं? यस सर। कल होगी क्लास बेटा, संडे को टेस्ट बोला है मैंने, तो कल का मैं प्रिपेरेटरी लीव बोलूंगा। संडे को टेस्ट है, ध्यान से सुनना, 11 बजे का टेस्ट है और सेंटर पर ही है, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन होगा सेकंड टर्म, तो आप सभी को टेस्ट आके देना पड़ेगा। टाइमिंग है 11 बजे। चैप्टर कौन से टर्म? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी कहां तक का आएगा, प्रिज्म से पहले वाला, याद है बेटा? पुनित। यस सर। बेटा आने में दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हाँ एक दिन टेस्ट के लिए आ जाओ, ये भी तो पता चले क्या तुमने सीखा क्या नहीं सीखा, ठीक है ना सर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होगा? नहीं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है सिलेबस में, यानी कि सिलेबस में हैगा, मैंने अभी नहीं दिया, बच्चे मना कर रहे थे काफी बड़ा हो जाएगा ऑप्टिक्स, तो मैंने याद है प्रिज्म तक, प्रिज्म से पहले जितना भी करवाया ना वो सब कुछ दिया है टेस्ट में, प्रिज्म भी मना कर दिया बच्चों ने, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो उसी का टेस्ट है। कोई डाउट है किसी को? संडे 11 बजे, संडे 11 बजे का टेस्ट, उसमें सब कुछ होगा, न्यू पैटर्न के हिसाब से होगा, मीन्स आपके पास उसमें एक तो केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, असल सर रीजन शायद इस बार हैंगे सेकंड टर्म में तो वो भी होंगे, एंड देन उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होंगे, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है ना। एज पर न्यू पैटर्न होगा एग्जाम, तो याद रखना। ऐड कर दूं मैं? यस सर। ओके सर। ठीक है।